सर, न्यायिक पदाधिकारी से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, अधिवक्ताओं को और न्यायिक पदाधिकारियों को क्या सलाह देंगे? नालंदा जिला सदा सदा उनको याद रखेगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिला अधिवक्ता संघ की ओर से बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला अधिवक्ता संघ के ऑडिटोरियम में सेवानिवृत्त नालंदा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम किशोर झा के विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नालंदा जिला अधिवक्ता संघ की ओर से श्री झा को फूल माला पहनाकर अंगवस्त्र दिया गया तथा उन्हें नालंदा की स्मृति चिन्ह भी भेंट की गई। विदाई सह सम्मान समारोह के इस मौके पर सेवानिवृत्त जिला जज काफी भावुक दिखे और उनकी आंखों में आंसू भी डबडबा गई। नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सीताराम लॉर्ड एवं महासचिव दिनेश प्रसाद सिंह के अलावे कई अन्य अधिवक्ताओं ने सेवानिवृत्त नालंदा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री झा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। अधिवक्ताओं ने इनके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना किया। हमेशा इनके जीवन में हरियाली रहे, जिसको लेकर नालंदा जिला अधिवक्ता संघ की ओर से तुलसी का पौधा भी भेंट किया गया, जिसे सेवानिवृत्त जिला जज अपने आंगन में उस पौधे को लगाकर हमेशा नालंदा को याद करेंगे। विदाई सह सम्मान समारोह के इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ परिसर में भी वृक्षारोपण का कार्य किया गया। विदाई सह सम्मान समारोह के इस मौके पर कई अधिवक्ताओं ने कहा कि सेवानिवृत्त जिला जज एक न्यायिक पदाधिकारी ही नहीं बल्कि एक अच्छे पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक भी रहे, जिन्हें आज भी कई न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ता एक आदर्श अभिभावक के रूप में याद करते हैं। इस मौके पर अधिवक्ताओं के चेहरों पर भी मायूसी छा गई और लग रहा था कि अपनों से अब कितना दूर जा रहा हूं। मौके पर अधिवक्ताओं ने एवं नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि नालंदा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने वाले जिला जज श्याम किशोर झा के कार्यकाल को नालंदा हमेशा याद रखेगा। ताकि उनके द्वारा लगाए हुए मंदिर जब भी हम उस पेड़ पर नजर जाए तो इनकी स्मृति हमारे प्रकृति में। मेरे अवकाश प्राप्ति के पश्चात लॉकडाउन के चलते उस समय खुला है, मगर नहीं आ सका था। जाने से पूर्व जो है उन लोगों के लिए उपस्थित हुए, उन्होंने तो हमने कहा था कि मैं निश्चित रूप से आप लोगों का आशीर्वाद दे के ही यहाँ से निकलूँगा। तो मेरा ये जो छोटा सा ही अंतराल रहा महीने का, परंतु बहुत ही अच्छा सहयोग कार एसोसिएशन के सभी सामान्य सदस्यों की ओर से हमको अपने न्यायिक कार्यों के संचालन में मिला। मैं इसलिए पूरे अधिवक्ता संघ का रेगुल से मैं शुक्रिया हूँ और मैं उन सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, न्यायिक पदाधिकारी से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, अधिवक्ताओं को और न्यायिक पदाधिकारियों को क्या सलाह देंगे, किस तरह से वो अपने कार्य को करें? अपने अपने काम के प्रति निष्ठापूर्वक, जो हमारा असाइन ड्यूटी है उसके प्रति हम
समर्पित भाव से काम करें, कहीं से किसी के प्रति कोई भेदभाव, कोई किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हम लेकर के काम नहीं करें ये, और न दुर्भावना किसी के प्रति हम रखें। वार्ड के सदस्यों से भी यही है कि सभी अफसर आते हैं, किसी के प्रति उनका कोई पर्सनल ग्रज नहीं रहता है, इसलिए वो निरपेक्ष भाव से सबके लिए न्याय देने का काम कर रहे हैं। उनको जो उचित सहयोग है वो प्रदान करें और किसी के प्रति किसी तरह का कोई बायस रखने का कोई। मेरे चार बच्चे माननीय खाल साहब द्वारा दो पौधों का, एक तुलसी का और एक सभी का वृक्षारोपण हुआ। जिस तरह से पौधे हरिक्मा देते हैं, मैं कामना करता हूं कि हमारे खाल साहब का जीवन प्रतिमाओं से प्रसन्न भार है और हम सभी बाकी जो उनके कार्यों को देखा है और काफ़ी सराहा है तो मेरे हृदय में है। पार्टी से फेरवेल के अवसर पर मैं काफ़ी भ्रमात भी हूँ। आप सब कुछ जीवन का क्रम होता है, अपने कर्तव्य की सेवा कर कर्म निष्ठा, कर्म इन्होंने किया तो कर्म किया, समाज के किसी दल से एक समझिंग के जीवन नहीं आया। इन्हें उनकी जो सफलता है उन्हें उनके सुखद भविष्य जीवन की कामना करता हूँ। सर के कार्यकाल को किस रूप में याद किया जाएगा? जहाँ तक इनके कार्यकाल और समझ, जहाँ तक सठनिया अध्यक्ष के विरुद्ध काम करने सवाल है, ये पूर्णतः स्वच्छ हैं, निर्मल हैं और इनमें जो न्याय की परिभाषा होती है, न्याय जहाँ वो मिलता वहाँ धर्म होता है। धर्म थोड़ा कठोर भी होता है, ये किसी के विचार से प्रभावित नहीं होता है। ये निष्पक्ष रहे हैं, सबके हृदय में रहे हैं। इन्होंने सारा जीवन एक जुडिशल अफसर से एक साधु और सीएम से दिखाया है कि आदर्शों पर चलने का हम वकील अपना प्रदर्शक मानते हैं। यहाँ जाते हुए जीवन में हम लोग के हृदय कुंज में हमेशा विहार करते रहेंगे। इनका नाम श्याम है, जिस तरह कृष्ण आज अमर हैं ये भी अमरता इस जिला को दे देंगे तो इनका नाम सदा सदा के लिए लिया जाता रहे। नालंदा जिला अधिवक्ता संघ की ओर से सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्याम किशोर झा जी का विदाई सम्मान समारोह था। इस अवसर पर उन्हें विदाई दिया गया संघ की ओर से, नालंदा जिला अधिवक्ता संघ की ओर से। और कल जो है पर्यावरण दिवस था, कल अरेंज नहीं हो सका, आज उसके लिए स्मृति के दिन के लिए उनके अपने कर कमलों के द्वारा उनके द्वारा दो वृक्ष लगाए गए हैं ताकि यह प्रांगण सदा हरा भरा रहे। उनके न्यायाधीश के रूप में नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के साथ साथ संपूर्ण नालंदा जिला वासियों को जो न्याय प्रदान करने में जो अपनी सेवा दी है वो सदा अविस्मरणीय और सदा यादगार रहेगा। वह उन्होंने निष्पक्ष, सरल और न्याय को एक गतिमान प्रदान किया है। नालंदा जिला सदा सदा उनको याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार, महासचिव नालंदा जिला अधिवक्ता संघ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।